गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्मेसी पॉइंट चैनल को और बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आ रहा है और एक मेरे फ्रेंड है उसका भी कॉल आया कि सर मेरा स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का जो फॉर्म है वो कॉलेज वाले जमा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आखिरकार कॉलेज वाले जमा क्यों नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि एक फाइनल प्रिंट आउट निकालिए जिसमें ट्रांजेक्शन आईडी लिखा हो। तो मैंने अपने कॉलेज में पता किया कि ऐसा कोई फॉर्म निकल रहा है, तो मुझे पता है कि ऐसा फॉर्म भी निकल रहा है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आपका रिवैल्यूएशन स्क्रूटनी फॉर्म में ट्रांजेक्शन आईडी लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था उसी समय जो पहला प्रिंट आउट निकला था वो भी जमा हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांजेक्शन आईडी वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकले वो भी निकल जाएगा, लेकिन वो सबका नहीं निकल रहा है, किसी किसी का निकल रहा है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर मेरा पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर दीजिए। बिल्कुल आपका मैं पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर दूंगा, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वो लोग अपने डिटेल शेयर नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये कोई फ्रॉड है। जब तक आप अपने डिटेल शेयर नहीं करेंगे तब तक मैं आपका फॉर्म डाउनलोड कैसे कर सकता हूँ। मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं कि मुझे आपकी डिटेल्स पता है। जब आप किसी शॉप पर जाते हैं तो आप उसको डिटेल्स देंगे तभी वो आपका कोई फॉर्म डाउनलोड कर पाएगा। अब इसमें आपका कोई, मैंने कोई ATM नंबर पूछा नहीं है, CVV नंबर पूछा नहीं है कि आपके पैसे कट जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल डरिए मत। और उसके बाद जिनको, जो लोग सच में पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड नहीं कर पाए हैं वही कमेंट करें, बाकी लोग फालतू में कमेंट ना करें। तो रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा फॉर्म है जिसको कॉलेज वाले बता रहे हैं कि यही फॉर्म जमा करना है, लेकिन मैंने अपने कॉलेज में फ़ोन करके पता किया है तो वही जो पहला रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है वही जमा हो रहा है, उसमें ट्रांजेक्शन आईडी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरा इस साल डी फार्मा सेकेंड ईयर हो गया, पूरा हो गया, अभी मैंने एग्ज़ाम दिया था जो पेपर 28 सितंबर से हुआ था। तो चलिए मैं आपको वो फॉर्म दिखाता हूँ। तो जो भी आप डिटेल मुझसे शेयर करते हैं वो बिल्कुल किसी के साथ पब्लिश नहीं की जाती है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर्म दिखाता हूँ। देखिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें केवल रिसिप्ट नंबर लिखा हुआ, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, रोल नंबर लिखा हुआ है। ये मेरे एक फ्रेंड का है, मैंने उसे पूछा कि भाई मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाना चाहता हूँ तो तुम्हारे फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो उसने कहा ठीक है बना लो। तो देखिए इसमें ब्रांच कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर रिसिप्ट नंबर लिखा हुआ, देखिए इसको मैंने छुपा दिया है प्राइवेसी के लिए। तो बहुत सारे कॉलेज में इस वाले फॉर्म का प्रिंट आउट जमा नहीं कर रहे हैं कॉलेज वाले। अब ये कॉलेज वाले हमको लग रहा है जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं या फिर आपसे कुछ पैसा लेना चाहते होंगे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये प्रिंट आउट भी मेरे कॉलेज में जमा हो रहा है, इसमें कहीं कोई इश्यू नहीं है, आप इसको भी जमा कर सकते हैं। तो रुकिए मैं आपको दूसरा फॉर्म दिखा रहा हूँ, वो फॉर्म भी इसी स्टूडेंट का है, उसको मैंने डाउनलोड किया है। ये देखिए यहाँ पे उसका ट्रांजेक्शन आईडी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन आईडी, और पहले वाले फॉर्म में रिसिप्ट नंबर लिखा हुआ था। तो इस दोनों फॉर्म में से आप कोई भी फॉर्म जमा कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रांजेक्शन आईडी वाला फॉर्म है ये फॉर्म सबका डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो अगर आपके कॉलेज में बिल्कुल एसेंशियल है कि यही फॉर्म मांग रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं मैं डाउनलोड करूँ तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन आपको अपनी डिटेल्स से शेयर करनी पड़ेगी। बिना डिटेल शेयर किए किसी का फॉर्म डाउनलोड नहीं किया जा सकता। तो आप लोग बिल्कुल विश्वास रखें, आप जो भी डेटा शेयर करते हैं मैं आपका फॉर्म डाउनलोड करने के बाद मैं खुद ही डिलीट कर देता हूं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता है, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं जिन्होंने मुझे थैंक यू लिखा हुआ है। तो वो सभी सब्सक्राइबर का मैंने फॉर्म डाउनलोड किया था, उसमें आदर्श साहा हैं, कोई प्रजापति करके हैं, कोई अतिकुल रहमान हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने फॉर्म डाउनलोड करके पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करके भेजा है। वो लोग बाहर किसी साइबर कैफे से या फिर कहने में कंप्यूटर की दुकान से वो लोग फॉर्म अप्लाई करा रहे हैं, लेकिन तब भी उनका फॉर्म ठीक से भर नहीं पा रहा है और उनको शॉप वाले प्रिंट आउट नहीं दे पा रहे हैं। अब बताइए अगर आपको लगता है कि ये काम कोई बाहर कर सकता है, किसी कंप्यूटर शॉप पे कर सकता है, तो आप वहाँ भी करवा सकते हैं, तो वहाँ तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा। यही फॉर्म कोई निकालने का आपसे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये ले लेगा। तो आप लोग जो लोग कमेंट कर रहे हैं
उनको अपनी डिटेल्स देनी पड़ेगी तभी आपका फॉर्म डाउनलोड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मुझे कोई शौक नहीं लगा हुआ है, यह कि मेरा चैनल है तो मैं सोचता हूँ कि स्टूडेंट की हेल्प हो जाए, आपका वैसे ही बैक लगा हुआ है तो आपका बैक क्लियर हो जाए, तो इसमें यही है। तो अगर आपको पेमेंट रिसिप्ट या फिर ये ट्रांजैक्शन आईडी वाला फॉर्म डाउनलोड करना है तो आपको अपनी पेमेंट सॉरी आपको अपना डिटेल्स देना पड़ेगा। डिटेल्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके बाद आपने रिवैल्यूएशन और स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय जो अपना फ़ोन नंबर दिया था, ये दो चीज़ें लगेंगी। इसके अलावा एक आपको ट्रांजेक्शन जो होता है तो आपको स्टेट बैंक की तरफ से एक मैसेज मिलता है कि आपका DUD नंबर ये है और आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। रुकिए मैं आपको एक मैसेज दिखा देता हूँ, मेरे पास मैसेज आया है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म मैंने भरा है, तो रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का कुछ मैसेज आपके आपको मिला होगा, SB कलेक्ट टैक्स DUD नंबर, ये 2500 मैंने एक स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट में रिवैल्यूएशन भरा था, तो उसी का देखिए, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, बोर्ड फीस इज सक्सेसफुल। एक अभी कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया तो उसने अपना डिटेल शेयर किया, तो मैंने उसका जब ट्रांजेक्शन डिटेल्स देखा तो वो कहीं किसी उसने किसी शॉप से अपना फॉर्म भरवाया था, तो उसके तीनों ट्रांजेक्शन फेल थे और उसको शॉप वाले ने प्रिंट आउट निकाल के भी नहीं दिया था। तो अभी आपका जो रिवैल्यूएशन और स्क्रूटनी फॉर्म भरने का डेट है वो अभी 25 दिसंबर हो गया है, लेकिन आप 24 दिसंबर तक सारे डिटेल्स और फॉर्म ठीक से भर के कॉलेज में जमा कर दीजिए। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन आपको डिटेल शेयर करनी पड़ेगी तभी आपका फॉर्म डाउनलोड हो पाएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें, और अपने इसको और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका मैंने फॉर्म डाउनलोड किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें, जिससे वो भी डाउनलोड कर सके और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ सके। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।